हेलो 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 एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग चूस दुरुस्त तंदुरुस्त मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो वो बच्चों के लिए है जो सितंबर 2024 में जिन्होंने फाउंडेशन अपीयर किया था और पास हो चुके हैं और अब सितंबर 2025 में उनका इंटर का एग्जाम है। दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है सर कि एग्जाम के हम 3 से 4 महीने पहले अपना पूरा कोर्स कवर कर ले? दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। वी स्मार्ट की पूरी टीम ने बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपके लिए जबरदस्त बैच क्रिएट किया है। दोस्तों, बैच लेकर हम लोग आए। मैं सी रवि टावरी, मैं दोस्तों स्पेशलाइज करता हूं इन सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मैं ऑल इंडिया रैंक होल्डर रह चुका हूं और प्राइस वाटर स्कूपर्स बिग फोर मुंबई ऑफिस में मैं काम कर चुका हूं। सीन बेस्ट ऑफ द ऑडिट एनवायरमेंट। आइए दोस्तों, ये क्या बैचेस है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों, आपके पास में 2 बैचेस है, ठीक है। अब बैच नंबर 1, यहां पे आप ग्रुप 2 पहले करेंगे और ग्रुप 1 बाद में करेंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं होता था, पहले ग्रुप 1 होता था और फिर ग्रुप 2 होता था। दोस्तों, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ग्रुप 2 में आपका कॉस्टिंग है जिसका ग्रुप 1 से कोई कनेक्शन नहीं है, ग्रुप 2 में आपका FM है जिसका ग्रुप 1 से वापस कोई कनेक्शन नहीं है, कॉस्टिंग से कनेक्शन है, दोनों साथ में ही शुरू हो रहे हैं। SM का भी कोई कनेक्शन दोस्तों, ऑडिट को एक हल्का फुल्का बेस लगता है, अकाउंट्स का और हल्का फुल्का बेस लगता है लॉ का। दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं है, फाउंडेशन में जितना आपने अकाउंट्स और लॉ पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है। और दोस्तों, जितने डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट है वो तो बहुत सारे ग्रुप 2 से पहले शुरुआत करते हैं फिर ग्रुप 1 में जाते हैं, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। और सभी प्रोफेसर्स ये समझते हैं कि आप ग्रुप 2 पहले कर रहे हो, उसको ध्यान में रखकर ही पढ़ाते हैं। तो अगर आप ग्रुप 2 पहले कर रहे हो और फिर ग्रुप 1 कर रहे हो और आपको फेस टू फेस पुणे वी स्मार्ट में आकर आपको फेस टू फेस क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है, ग्रुप 2 भी आपको फेस टू फेस करना है, उसके बाद ग्रुप 1 भी आपको फेस टू फेस करना है, या फिर ये जो बैचेस चल रही है इसका ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो होने वाला है, लाइव स्ट्रीमिंग जो होने वाला है दोस्तों, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग वो आप अटेंड करना चाहते हो, बैच के साथ साथ में चलना चाहते हो, चैटिंग करते चलना चाहते हो, लाइव डाउट सॉल्विंग के साथ चलना चाहते हो, तो ये बैच आपके लिए एकदम कंफर्टेबल है। दोस्तों, यहां पे रोज फेस टू फेस क्लास होगा, उसका लाइव स्ट्रीमिंग होगा, आपका जो फिक्स शेड्यूल रहेगा उसके ऊपर चलेंगे। दोस्तों, वीकली इसके अंदर टेस्ट होते हैं, जूम सेशंस होते हैं जिसमें ऑनलाइन बच्चों के पूरे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, डिसिप्लिन में चीजें चलाई जाती है। दोस्तों, इसकी टाइमलाइन आप अच्छे से देखना, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1 दिसंबर से यह बैच शुरू होगी, लगभग 2.5 महीने आपको लगेंगे ग्रुप 2 को खत्म करने के लिए, ठीक है, 2.5 महीने से भी थोड़ा कम ही लगेगा दोस्तों समय, 15-20 दिन कम लगेंगे आप। लेकिन क्यों मैंने वो बोला मैं आपको बताऊंगा। मिड फेब तक आप मान लीजिए आपका ग्रुप 2 चकाचक पूरा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम आपके प्रैक्टिस सेशंस, थोड़ा सा समय जो बचेगा, एक्स्ट्रा समय बचेगा और जो 15 दिन का समय बचेगा उसमें प्रैक्टिस सेशन करके ग्रुप 2 सुपर स्ट्रांग कर देंगे, एकदम तगड़ा कर देंगे ग्रुप 2 कि भाई अब इसको बस हल्का फुल्का ओवरव्यू किया तो किया, नहीं तो बाद में सीधा एग्जाम के पहले ओपन करेंगे। यहां पर आपको 15 दिन मिलेंगे अपने ग्रुप 2 को सुपर सॉलिड करने के लिए। छोटा सा ब्रेक चाहते हो, रिलैक्स होना चाहते हो, बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो, बीकॉम की वजह से कुछ छूट गया था वो करना चाहते हो, तो यहां पे 15 दिन आपको काम आएंगे। उसके बाद 1 मार्च से दोस्तों, 1 मार्च से आपका ग्रुप 1 शुरू होगा जो 3.5 महीने चलेगा, ग्रुप 1 3.5 महीने चलेगा दोस्तों, ठीक है, जून मिड तक खत्म हो जाएगा। आपकी एग्जाम मोटा मोटी मिड सितंबर में शुरू होगी, 3 महीने पूरे मिलते हैं, दैट इज मोर देन सफिशियंट दोस्तों, 90 दिन मिलते हैं, 90 दिन, इसमें आप मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर 1 महीना आपको फर्स्ट रिविजन में भी लगा तो आपके पास में 60 दिन है, आप यहां पे 2 से 3 रिविजन 4 रिविजन भी कर सकते हो। पहले के बैचेस को तो इससे भी कम समय मिलता था, आपको बहुत अच्छा समय मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा, आपका ग्रुप 2 पहले ही रिवाइज हो चुका है तो आपको और समय आपके पास में ज्यादा रहने वाला है। यहां पे अच्छा स्टार्ट है, अच्छा एंड है, अच्छा खासा सेल्फ स्टडी है, पहले ग्रुप 2 है फिर ग्रुप 1 है, बहुत सारा गैप भी नहीं है क्लासेस के बीच में, क्लासेस के साथ में और आपके एग्जाम के बीच में बहुत सारा गैप भी नहीं दोस्तों, एकदम शांति से सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास में एक है दोस्तों। अब मैं अगर बात करता हूं, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बैच 2, यहां पर यह हमारी लाइव गाइडेड बैच रहने वाली है दोस्तों। लाइव गाइड बैच के अंदर पहले हम लोग ग्रुप 1 शुरू करेंगे, उसके बाद में हम ग्रुप 2 शुरू करेंगे। देखिए, सभी तरह के बच्चे हैं, सबके अपने अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जो बच्चे बोलते हैं सर कि हम लोग ग्रुप 1 पहले करके ग्रुप 2 बाद में करना चाहते हैं, हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कंफर्टेबल है,
मैं मेरे स्पीड के हिसाब से देखूंगा, मेरा डिसिप्लिन बहुत अच्छा है उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों आपको भी हम कैटर करना चाहते हैं, आपको भी बेस्ट ऑप्शन हम देना चाहते हैं, लेकिन ये कोई साधारण बैच नहीं रहेगी दोस्तों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये एक लाइव गाइडेंस बैच रहेगी। देखो सिचुएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो हमारा रिस्पॉन्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेगा। यहां पर हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, वो बैच के लेक्चर जो भी चल रही है दोस्तों, नवंबर एंड में जो बैच खत्म होगी, एकदम फ्रेश ताजे ताजे लेक्चर जिसमें किसी तरह का कोई भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है, ये सिस्टमैटिकली आपको प्ले करने हैं, आपको प्ले करवाएंगे एक पूरे शेड्यूल में, एक पूरा बाकायदा शेड्यूल रहेगा कि सुबह सबसे पहले आप टैक्स करें, फिर आप लॉ करें, फिर आप अकाउंट्स करें, और आपको डेली क्लास करनी है दोस्तों, वीकली यहां पर टेस्ट रहेगी, प्रोफेसर आएंगे जूम पे, आपको बूस्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, आपके साथ में पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यहां पर प्रोफेसर अपनी जी जान लगाएंगे कि रिकॉर्डेड के साथ में आपको एक बूस्ट मिलता रहे, और आप रेगुलरली पहले ग्रुप वन करें और फिर वापस आप रिकॉर्डेड में इसी तरीके से यही एनर्जी के साथ में आप ग्रुप टू करें दोस्तों, करेक्ट। तो यहां पर आपके साथ प्रोफेसर्स बने रहेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी लाइव गाइडेंस बैच, इसमें सारी फैसिलिटीज मिलेंगी और प्रोफेसर्स आपसे कनेक्टेड रहेंगे दोस्तों। इसकी टाइमलाइन आप अच्छे से देखिए, 11th ऑफ नवंबर से शुरू होगा दोस्तों, और फिर ग्रुप वन आपका 3.5 महीने में खत्म हो जाएगा, फेब एंड तक आपका ग्रुप वन खत्म, 2.5 महीने में आपका ग्रुप टू खत्म, मिड में तक चीजें खत्म हो जाएगी, 4 महीने आपको 4 महीने मिलेगी आखिरी में। अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स बराबर टाइम पे खत्म कर दिए तो 4 महीने मिलेंगे दोस्तों। ये अर्ली स्टार्ट है, अर्ली एंड है दोस्तों, पहले ग्रुप वन है, ग्रुप टू है, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन आपको बना के रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन अगर आपने बना के रख लिया, ठीक है, तो दोस्तों आप उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। सभी बच्चों का अपना बेसिक स्वभाव पता होता है, नेचर पता होता है, क्या उनके लिए सूटेबल रहेगा वो पता होता है दोस्तों, तो उसके हिसाब से बैच वन या बैच टू वो लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी भी आपके मन में डाउट हो सकते हैं दोस्तों, तो हम लोग वेबिनार कंटिन्यूअसली, हमारे वेबिनार चलते रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप देखिए वेबिनार की डिटेल्स आपको पूरे मिल जाएंगे, आज रात को भी रहेगा, आगे भी रहेगा, वहां पर रजिस्टर करिए, हम आपको पूरी क्लैरिटी देंगे। मैं आपको बता दूं क्विकली, यहां पर विशाल भट्टर सर IDT पढ़ाएंगे, बवर बोराना सर DT पढ़ाएंगे, जय चावला सर आपका अकाउंट्स पढ़ाएंगे, शुभम सिंगल सर आपका लॉ पढ़ाएंगे, मैं सीएल विटावरी ऑडिट पढ़ाऊंगा, विनोद रेड्डी सर कॉस्टिंग पढ़ाएंगे, और प्रशांत साडा सर FM पढ़ाएंगे, अमित तातेड़ सर हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे और एक चीज, अगर ये 15-20 दिन आपका, जैसे 1 दिसंबर से एक बैच आपकी शुरू हो रही है, 15-20 दिन आपको यूज करना है, तो आप इसमें अगर दिन के 2 से 3 लेक्चर देख सकते हो और पढ़ने की भूख बहुत ज्यादा है तो आप लॉ कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों, या फिर DT कर सकते हो कंप्लीट, लेकिन दिन के 2 से 3 लेक्चर, या IDT कर सकते हो, या अकाउंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों, अगर आपका प्लान वैसा है तो। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वेबिनार और सारे ऑप्शन अच्छे से चेक करिए, कोई भी डाउट है तो यहां पर कमेंट करिए दोस्तों।